हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करेंट अफेयर्स एमसीक्यू सेशन ऑफ 9 सितंबर, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था, हु प्रोवाइड फर्स्ट अप्रूवल अंडर SCDF टू तमिलनाडु गवर्नमेंट। किसने दे दिया है पहला अप्रूवल अंडर SCDF के तमिलनाडु के गवर्नमेंट को? आपको ऑप्शन है, ऑप्शन ए BRO, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी सिडबी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिडबी। सिडबी जो कि स्टैंड करता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, उन्होंने प्रोवाइड किया पहला अप्रूवल अंडर सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड SCDF के तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को। ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर है जिसको कि हैंडओवर किया गया है शिवा सुब्रमण्यम रमनन जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है सिडबी के द्वारा, असेंबली में इन प्रेजेंस में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK Stalin के। अब हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। तो ये जो फंड है ये यूटिलाइज किया जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड करने में MSME को तमिलनाडु। सिडबी प्रोवाइड करेंगे कस्टमाइज डायरेक्ट लैंडिंग प्रोडक्ट को स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का एस्टेब्लिशमेंट 1990 में किया गया था, हेडक्वार्टर इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉर्म किया गया था 7 मई 1960 पर। इसके डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पर। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है जो कि देखता है ओवरऑल रेगुलेशन को रीजनल रूरल बैंक का और एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक है भारत का। इसका ज्यूरिसडिक्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। इसको फॉर्म किया गया था 12 जुलाई 1982 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। इसके चेयरपर्सन हर्ष कुमार बनवाला है। नाउ लेट्स बिगिन आवर करेंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 9 सितंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यू बुक टाइटल इन्विटेशन टू डाई अ कॉलोनल आचार्य मिस्ट्री, ऑथर बाय होम। जो नया बुक है जिसका टाइटल है एन इन्विटेशन टू डाई ए कॉलोनल आचार्य मिस्ट्री, इसको ऑथर किया गया किनके द्वारा? आपको ऑप्शन है, ऑप्शन ए तनुश्री पॉडर, ऑप्शन बी विश्रम बेडेकर, ऑप्शन सी चेरी पिंटो, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तनुश्री पॉडर। जो न्यू बुक है जिसका टाइटल है इन्विटेशन टू डाई ए कॉलोनल आचार्य मिस्ट्री, इसको ऑथर किया गया है तनुश्री पॉडर के द्वारा। ये जो बुक है इसको पब्लिश किया गया है हर्बन कॉलेज पब्लिशर इंडिया के द्वारा। ये स्टोरी है मर्डर मिस्ट्री को लेके जिसको कि इन्वेस्टिगेट किया गया है कॉलोनल अर्जुन एच आचार्य के द्वारा, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और एक एमेच्योर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी। तनुश्री पॉडर एक ऑथर के साथ साथ ट्रेवलर भी है, उन्होंने ऑथर किया है बहुत सारे बुक जिसमें कि ए क्लॉथफुल ऑफ स्केलेटन, बिफोर यू ब्रेथ अ कॉलोनल आचार्य मिस्ट्री, ये सब आते हैं। विश्राम बेडेकर जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था, इनके द्वारा ऑथर किया हुआ बुक का टाइटल है बैटलफील्ड। ये एक नॉवल है जिसको ऑथर किया गया विश्राम बेडेकर के द्वारा, और जो इसका ट्रांसलेशन है मराठी ओरिजिनल टाइटल रणगन उसको विश्राम बेडेकर के द्वारा पब्लिश किया गया था 1939 में। इस बुक को ट्रांसलेट किया गया मराठी में इंटू इंग्लिश में, ऑथर और ट्रांसलेटर जो उसके चेरी पिंटू है जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज 400 किलोमीटर जज्बा ई तिरंगा रिले मैराथन एट विच स्टेट और यूटी। इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है 400 किलोमीटर का जज्बा ई तिरंगा रिले मैराथन को किस स्टेट या यूटी में? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है 400 किलोमीटर का जज्बा ई तिरंगा रिले मैराथन को यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में। ये पार्ट था आजादी के अमृत महोत्सव जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा था 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसका जो रिले था उसको फ्लैग ड्रॉप ऑन लेट किया गया था मेजर जनरल राजीव पुरी के द्वारा, जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग एच ऑफ स्पेस डिवीजन को बिलोंग करते हैं। मोर देन 300 ट्रूप ने पार्टिसिपेट किया था इस रिले मैराथन पर, जिन्होंने कैरी किया था इंडियन ट्राइकलर फ्लैग को साथ साथ LOC के। जो सोल्जर उन्होंने कैरी किया था नेशनल फ्लैग को अक्रॉस एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और हैंड किया था इसको अदर यूनिट को। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर श्रीमती नंदीबेन पटेल, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, गुजरात के सीएम विजय भाई आर रूपानी, गवर्नर आचार्य देव विराट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु विन 26th क्यूटेट डी बार्केलोना चेस ओपन 2021। इसने जीता है जो 26th क्यूटेट डी बार्केलोना चेस ओपन चैंपियनशिप था 2021 का। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूफा डेनिल, ऑप्शन बी कार्तिकेयन मुरली, ऑप्शन सी SP सेतुरमन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी SP सेतुरमन। जो इंडियन ग्रैंड मास्टर SP सेतुरमन है उन्होंने जीता है 26th क्यूटेट डी बार्केलोना चेस ओपन चैंपियनशिप को 2021 का। ये जो टूर्नामेंट था ये आपका बार्केलोना स्पेन में ऑर्गेनाइज किया गया था, तो कहां ऑर्गेनाइज किया गया था ये भी इम्पोर्टेंट है। सेतुरमन और जो युफ्रेट डेनिल जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन है जो कि स्पेन के है, इन दोनों का जो पोजीशन था एक ही था, बाद में टाई ब्रेकिंग हुआ जब दोनों को, तब उसका पोजीशन सेकंड हुआ टाई ब्रेकिंग स्कोर पे। वो जो है अनडिफीटेड रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, उन्होंने 6 गेम को जीता है और 3 को ड्रॉ किया है। सेतुरमन का जन्म 1993 में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। ग्रैंड मास्टर जो है वो एक टाइटल है जो कि दिया जाता है चेस प्लेयर को वर्ल्ड चेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, FIDE वर्ल्ड चेस फेडरेशन इंटरनेशनल।
जो अदर इंडियन प्लेयर्स थे उनका परफॉर्मेंस को भी हम देख लेते हैं। तो जो इंडियन जीएम कार्तिकेयन मुरली, जिनके बारे में ऑप्शन मेंशन था, इन्होंने फिनिश किया था तीसरे पोजीशन को। उन्होंने जीता था 6 गेम को, ड्रॉ हुआ था 2 और जो मैच उन्होंने हारा था। जीएम अरविंद चिदम्बरम जो है उन्होंने फिनिश किया था 5th पोजीशन में, उनके बाद अर्जुन कल्याण है और विशाख एनआर है 9th और 10th पोजीशन में। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, इसको फाउंड किया गया है 1951 में। इसका प्रेसिडेंट संजय कपूर है, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 हेल्ड इन विच कंट्री। द वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप है 2021 का, ये किस कंट्री में हुआ है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए केनिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केनिया। द वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप है 2021 का, ये आपका सिटी जो है नैरोबी केनिया का, वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है। इंडिया ने फिनिश किया 21st प्लेस में, इंडिया ने जीता है 3 मेडल को, 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज को। केनिया का रैंक पहला है इस प्लेस में, केनिया ने जीता है 16 मेडल, इसमें 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 7 ब्रॉन्ज है। जो रैंक पहला केनिया का है, दूसरा फिनलैंड का, तीसरा नाइजेरिया का है और इंडिया का जो पोजिशन है वो आपका 21st है। और तो हम जानते हैं कुछ फैक्ट को, तो जो शैली सिंह है उन्होंने जीता है सिल्वर को लॉन्ग जंप में। शैली सिंह उत्तर प्रदेश को बिलोंग करती है, जिन्होंने जीता है सिल्वर मेडल को वुमेन लॉन्ग जंप इवेंट में 6.5 मीटर 9 मीटर के जंप में। उन्होंने मिस कर दिया था गोल्ड मेडल को सिर्फ जस्ट 1 सेंटीमीटर से। मजा आशा जो है स्वीडन के, उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल को। अमित कुमार ने जीता है सिल्वर को मेन कैटेगरी में 10,000 मीटर रेस में। अमित कुमार हरियाणा को बिलोंग करते हैं, जिन्होंने जीता है सिल्वर मेडल को डेब्यू इंटरनेशनल इवेंट इन मेन 1,000 मीटर रेस में, फिनिश करते हुए 42nd मिनट में। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं, तो वर्ल्ड एथलेटिक के प्रेसिडेंट सेबेस्टियन कोए, हेडक्वार्टर इसका मोनाको पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु लॉन्चेड ई श्रम पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर इन इंडिया। किसने लॉन्च किया ई श्रम पोर्टल को ताकि रजिस्टर किया जा सके अनऑर्गेनाइज वर्कर को भारत में? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है भूपेंद्र यादव, ऑप्शन बी राजकुमार सिंह, ऑप्शन सी गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव। जो यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने लॉन्च किया ई श्रम पोर्टल को ताकि रजिस्टर किया जा सके अनऑर्गेनाइज वर्कर को पूरे भारत में। ये जो पोर्टल है ये पहला इस काइंड का इनिशिएटिव होगा अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए भारत में। इस पोर्टल का मकसद है कि ये रजिस्टर करे अबाउट 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर को, जैसे कि कंस्ट्रक्शन लेबर हो गया, माइग्रेंट वर्कफोर्स हो गया, स्ट्रीट वेंडर हो गया, डोमेस्टिक वर्कर हो गया, इन सबको रजिस्टर करे इसमें। इसका मकसद है कि वो बिल्ड करे एक कम्प्रिहेंसिव नेशनल डाटाबेस को अनऑर्गेनाइज वर्कर का कंट्री पे। ई श्रम पोर्टल जो है वो टोटली फ्री है और वर्कर को कोई भी पे नहीं करना होगा इसके लिए, अपने रजिस्ट्रेशन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पे कहीं पे भी। रजिस्ट्रेशन के बाद वर्कर को इश्यू किया जाएगा एक ई श्रम कार्ड, जिसमें कि 12 डिजिट का यूनिक नंबर होगा। ये कार्ड यूजफुल होगा डिलीवर करने में बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रामेश्वर तेली, राजकुमार सिंह जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट को संभाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु टुक चार्ज एज चेयरपर्सन ऑफ स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड। किसने संभाल लिया है चार्ज को चेयरपर्सन का स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन डी मानसुख मांडविया, ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मानसुख मांडविया। तो मानसुख मांडविया है जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, उन्होंने चार्ज संभाला है चेयरपर्सन का बोर्ड ऑफ स्टॉप टीवी पार्टनरशिप के लिए। वो होल्ड करेंगे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेयरमैन का बोर्ड के तौर पे अंटिल 2024 तक। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्टर हर्षवर्धन के पास पहले था, जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को संभाल रहे थे, उनसे उन्होंने ये चार्ज को संभाला है। ये जो स्टॉप टीवी पार्टनरशिप है ये एक यूनाइटेड नेशन होस्टेड पार्टनरशिप प्रोग्राम है, जिसका मकसद है लड़ना ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ कलेक्टिवली। रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर इनके चेयरमैन का होगा कि ये जो है चेयरपर्सन के रूप में काम करेंगे बोर्ड ऑफ स्टॉप टीवी पार्टनरशिप के। मानसुख मांडविया लीड करेंगे एफर्ट को स्टॉप टीवी पार्टनरशिप सेक्रेटेरिएट का, पार्टनर और टीवी कम्युनिटी का, ताकि वो रीच कर सके यूएन टीवी टारगेट को 2022 का, और एक माइलस्टोन जो है एफर्ट टीवी को एंड करने का 2030 का, उसको अचीव करने में स्टेप ले सके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेट किया एक एम को, तो इरेडिकेट करेंगे टीवी को भारत में 2025 तक, तो इसको अचीव करने के लिए भी वो काम करे, इस कारण इसको किया गया है। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप के बारे में हम जान लें, तो स्टॉप टीवी पार्टनरशिप जो है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है यूनाइटेड नेशन एफिस फॉर प्रोजेक्ट डेवलप सर्विसेज यूएनओपीएस के द्वारा 2015 से। पहले इसको होस्ट किया जाता था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अब किसके द्वारा होस्ट किया जाता है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके डॉक्टर लुसिया डिट्यू है, सेक्रेटेरिएट इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड पे, फाउंड किया गया था 2001 में। अश्विनी वैष्णव जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
हु लॉन्च माई ई हट पोर्टल टू सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, किसने लॉन्च किया है माई ई हट पोर्टल को ताकि सपोर्ट किया जा सके हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को। आपका ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी एचसीएल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एचसीएल। जो एचसीएल फाउंडेशन है जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर में एचसीएल टेक्नोलॉजी का, उसने लॉन्च किया एक ऑनलाइन पोर्टल को जिसका नाम है माई ई हट को, ताकि वो इम्पावर कर सके आर्टिसियन और एक्सटेंशन कर सके वैल्यू चेन को हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का भारत में। ये जो पोर्टल है ये इनेबल करेगा आर्टिसन को लिस्ट करे अपने प्रोडक्ट को ताकि कंडक्ट किया जा सके बिजनेसेस को। ये जो पोर्टल है ये ऑफर करेगा ई पेमेंट ऑप्शन को, कैश ऑन डिलीवरी, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सपोर्ट और रियल टाइम प्रोडक्ट ट्रैकिंग को। अभी प्रेजेंटली मोर देन 30 पार्टनर जो है 8 स्टेट से और ओवर 600 प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया गया इस पोर्टल पे। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला है, फाउंड किया गया था 4 अप्रैल 1975 में, हेडक्वार्टर रेडमंड वाशिंगटन यूएस में। गूगल को फाउंड किया गया था 4 सितंबर 1998 में, इसके सीईओ सुंदर पिचाई है, हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूएस में। एचसीएल के सीईओ सी विजय कुमार है, फाउंड किया गया था 11 अगस्त 1976 में, हेडक्वार्टर इसका नोएडा पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एफकॉन साइन अ $530 मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विथ विच कंट्री। एफकॉन ने साइन किया $530 मिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को किस कंट्री के साथ। आपका ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन डी मालदीव, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मालदीव। जो एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर आर्म है सपूर्जी पॉलानर्जी ग्रुप का इंडिया का, इसने साइन किया एक एग्रीमेंट को रिपब्लिक ऑफ मालदीव के साथ। $530 मिलियन का ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ये जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ये लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा मालदीव का। फंडिंग जो है इसका उसको देखते हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट इसको फंड किया जा रहा है एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर इंडियन ग्रांट एंड लाइन ऑफ क्रेडिट स्कीम के। ये जो प्रोजेक्ट है कनेक्ट करेगा माले जो कि कैपिटल है मालदीव का एडजॉइनिंग आइलैंड ऑफ विर्जीनिया, गुलफेनियो एंड सेफुसी के साथ, जो कि 6.7 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है। मालदीव की कैपिटल माले है, करेंसी मालदीवियन रुफिया, प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो और सीएफपी फ्रैंक, इसराइल के प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग, कैपिटल जेरूसलम, प्राइम मिनिस्टर नफ्तली बेनेट, करेंसी इजरायली शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट इवर G20 मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। किस कंट्री ने होस्ट किया है पहला इवर G20 मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। आपका ऑप्शन है इंडिया, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इटली। इटली जो है 2021 में G20 का प्रेसिडेंसी कर रहा है, इसलिए इटली ने होस्ट किया है जो पहला इवर G20 मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस हो रहा है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। सेंटा मेगरिटा लीग इटली पे हाइब्रिड फॉर्मेट में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। स्मृति ईरानी जो कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को संभाल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने वर्चुअली रिप्रेजेंट किया था इंडिया को और एड्रेस किया था G20 का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको चेयर किया गया था इलेनोर बोनेटी के द्वारा जो कि इटालियन मिनिस्टर है इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड फैमिली के लिए। तो ये हमें पता होना चाहिए कि किसके द्वारा चेयर किया गया है। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ 20 जो है इसका G20 इसके 2020 का प्रेसिडेंसी इटली कर रहा है। मेंबर्स इसमें 20 है, 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री इलेक्टेड टू काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल एट 27th यूपीयू कांग्रेस इन अबिडजान। किस कंट्री को इलेक्ट किया गया है काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल के तौर पे, जो 27th यूपीयू कांग्रेस हुआ था अबिडजान में उस दौरान। तो कहां पे हुआ था 27th यूपीयू कांग्रेस, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंडिया। इंडिया को इलेक्ट किया गया है काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सीए एंड पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल, जो 27th यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस का अबिडजान कोटे डी आइवोरी में ऑर्गेनाइज किया गया था उस दौरान। जो सीए इंडियन है उनको 134 वोट मिला था जो कि हाईएस्ट था इस इलेक्शन के दौरान साउथ एशिया और ओशियानिया रीजन पे। ये काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, तो काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 41 कंट्रीज के मित्र के द्वारा बनाया गया है। ये वंस इन ईयर मीट करता है, इसका हेडक्वार्टर बर्नी पे है। पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल ये एक यूपीओ टेक्निकल और ऑपरेशनल अथॉरिटी है जिसमें 40 मेंबर्स कंट्री को इलेक्ट किया जाता है कांग्रेस के दौरान। ये भी साल में एक बार मिलता है बर्न पे। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के मेंबर्स कंट्री 192 है। डायरेक्टर जनरल बिशार हुसैन है, हेडक्वार्टर बर्नी स्विट्जरलैंड पे। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, कैपिटल पेरिस। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी इंडियन नेशनल रूपी। रशिया की कैपिटल मॉस्को, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, करेंसी रशियन रूबेल। ये क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट का है। एमओई इनोवेशन सेल एंड हु लॉन्च मैराथन 2021 हैकाथन फॉर नेशनल सिक्योरिटी। जो एमओई इनोवेशन सेल है और उन्होंने किनके साथ मिलकर लॉन्च किया है मैराथन 2021 हैकाथन को नेशनल सिक्योरिटी के लिए। आपके ऑप्शन है बीपीआरएनडी, ऑप्शन बी एआईसीटी, ऑप्शन सी पोर्ट एनबी,
ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।